सुबह के बज रहे हैं 7:55। अभी मैं हूँ तमिलनाडु में। लोग कहते हैं तमिलनाडु में ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, इसी ट्रेन जर्नी के दौरान सारी चीज़ें बताएंगे। अभी मैं हूँ तमिलनाडु की डंडीगल सिटी में। डंडीगल सिटी से आज हम आपको सफ़र कराएंगे। हमारा ये सफ़र होगा तिरुवनंतपुरम, यानी कि केरला की राजधानी डंडीगल सिटी तमिलनाडु से। आइए मैं इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। तो ये है डंडीगल रेलवे स्टेशन का फ्रंट का नज़ारा, और ये सामने सिटी, यहाँ सब कुछ तमिल में लिखा हुआ है। ये है ऑटो स्टैंड, जो हमारा गाड़ी नंबर है 22627। गाड़ी नंबर 22627 जो चलती है त्रिचुपल्ली से डंडीगुल का, जो राइट टाइम है वो 8:25 पर मदुरई और नागरकल होते हुए त्रिवांदम सेंट्रल ये पहुंचाएगी 3:20 पर। डंडीगुल से त्रिवांदम सेंट्रल की जो दूरी है वो है 356 किलोमीटर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक ट्रेन आके खड़ी हो चुकी है, मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच चलती है। इस ट्रेन का नाम है अमृता एक्सप्रेस। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है अमृता एक्सप्रेस। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये तमिलनाडु का मिडिल, यानी कि जिस सिटी में खड़ा हूँ तमिलनाडु के मिडिल में पड़ता है। और आप सोच सकते हैं तमिलनाडु के मिडिल में रहकर मुझे किसी चीज़ का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे हर यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मिलनसार है, काफ़ी पोलाइट है। मैंने काफ़ी लोगों से बात किया है, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, बिल्कुल मित्रतापूर्ण उनका स्वभाव था। मैंने जानबूझ के उनसे एड्रेस मुझे पता था, फिर भी मैंने उनसे एड्रेस पूछा, ये एड्रेस कहाँ है। बल्कि कुछ लोग तो मुझे कम से कम आधा किलोमीटर छोड़ के भी आए कि आपको ऐसे जाना है ऐसे जाना है। बल्कि रेलवे स्टेशन का रास्ता मुझे पता था, फिर भी मैंने उनसे पूछा। 99% ये अफवाह यानी कि रूमर्स है। हाँ, एक आध जगह में कुछ जगह पे छुटपुट घटना हुई होगी, इसको विस्तार रूप से मीडिया वाले ने और व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया ने इतना हाक दे दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु में ये मेरा छठा दिन है। 6 दिनों में लगभग मैंने 5-6 शहरों को कवर कर लिया है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ से अगर मैं चेन्नई की बात करूँ, चेन्नई की दूरी है 400 किलोमीटर, कोची की दूरी है 300 किलोमीटर, त्रिवांदम सेंटर की दूरी है आपको पहले ही बता चुका हूँ 350 किलोमीटर, नागरकल की दूरी है 250 किलोमीटर और कोयम्बटूर की दूरी है 320 किलोमीटर, ऊटी यहाँ से है 380 किलोमीटर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आप देख सकते इतनी भीड़ है। यहाँ पे चेन्नई के लिए ट्रेन आ रही है जो मदुरई से चलती है और चेन्नई तक जाती है। और ये जितनी भीड़ देख सकते हैं आप ये लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। ये है वो ट्रेन मदुरई से चेन्नई तक जाने वाली। ट्रेन काफ़ी खूबसूरत लग रही है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है ट्रेन। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तिरुचुपल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। प्रवेश करते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है चंडीगढ़ जंक्शन से। ये डिपार्चर 8:40 पर डिपार्चर हो चुकी है, यानी कि ट्रेन हमारी लगभग 15 मिनट लेट। यहाँ पे ऐसी कोई ख़तरा नहीं है कि जैसे कि मोबाइल छीन लेंगे, ऐसा वर नहीं है। यहाँ पर इस तरह के क्राइम बहुत ही कम होते हैं। धूप काफ़ी खिली हुई है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे कि नॉर्थ इंडिया में ठंड होती है, यहाँ पर ठंड नहीं है। यहाँ पे 12 महीने सेम मौसम रहता है, यानी कि गर्मी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हुआ मदुरई जंक्शन। मदुरई जो काफ़ी फेमस है, मदुरई में चल के हम आपको बताएंगे।
मदुरई जंक्शन का अराइवल। हमारी गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम पे 9:30 बजे मदुरई जंक्शन पे आ चुकी है। मदुरई जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो निर्माण 1875 सन में हुआ था, लगभग 148 साल पहले। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है। और मदुरई में जो फेमस है वो है मीनाक्षी देवी का टेम्पल। मीनाक्षी देवी टेम्पल को मैं यहीं से नमन करता हूँ। ज़रूर मदुरई में आइएगा, मीनाक्षी देवी का टेम्पल दर्शन ज़रूर कीजिएगा। भारत का सेकेंड तेजस एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मदुरई से चेन्नई के बीच यहीं से शुरुआत की थी। विश्व विख्यात पंबन ब्रिज यहाँ से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर है रामेश्वरम। रामेश्वरम के लिए यहाँ से बहुत सी ट्रेनें चलती है, पैसेंजर ट्रेनें, और इसका जो किराया है ओनली 45 रुपीस। आप मदुरई से रामेश्वरम के बीच में ट्रेन के सफ़र का लुत्फ़ उठा सकते हैं। समंदर के बीच में पंबन ब्रिज को चीरती हुई ट्रेन जाती है, उसका किसी दिन ब्लॉग आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगा, है तंगेज ब्लॉग। मदुरई तमिलनाडु का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और काफ़ी बड़ा शहर है। 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी चल चुकी है मदुरई जंक्शन से। जैसे कि आपने देखा, मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के हिंदी में बात कर रहा था और आपकी सारी चीज़ें बता रहा था मदुरई जंक्शन के बारे में। यहाँ पे मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग थे सब यहाँ के लोकल लोग थे। मुझे किसी चीज़ की असुविधा हुई नहीं, किसी चीज़ की असुविधा नहीं हुई। मैं बिल्कुल बिंदास हिंदी में बात करे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दक्षिण भारतीय मंदिर काफ़ी खूबसूरत, और इसके पीछे देखिए बहुत ही खूबसूरत चट्टान। इस स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं है हमारी गाड़ी की। तमिलनाडु के 2 रेलवे स्टेशन को हमने स्किप कर दिया है, यानी कि मैंने स्किप किया, रेलवे ने नहीं किया। यहाँ पर 2 रेलवे स्टेशन पे स्टॉपिज था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैंने सोचा हर स्टेशन को कवर करना संभव नहीं है। तो एक है विरुधुनगर और एक है सत्तूर, इनको हम मैंने स्किप कर दिया। तिरुनेलवेली जंक्शन अराइवल है ये। दोपहर के 12 बजे हमारी ट्रेन आ चुकी है तिरुनेलवेली जंक्शन पे। तिरुनेलवेली जो तमिलनाडु का 6th लार्जेस्ट सिटी है, 6ठा सबसे बड़ा शहर है। तिरुनेलवेली काफ़ी खूबसूरत शहर है तमिलनाडु में। तिरुनेलवेली की अगर बात करें, एक ऐतिहासिक शहर है। ब्रिटिश काल में यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक कहानी हुई है,
आप विकिपीडिया कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इस शहर के बारे में। तिरुनेलवेली स्टेशन कोड की अगर बात करें तो स्टेशन कोड है TEN और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की अगर बात करें 5 नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। इस स्टेशन का निर्माण 1893 में यानी कि आज से लगभग 130 साल पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। गाड़ी 12:15 पर छूट चुकी है हमारी तिरुनेलवेली जंक्शन से। तो ये डिपार्चर है तिरुनेलवेली जंक्शन का। बिफोर टाइम आ चुकी थी गाड़ी, यानी कि टाइम था इसका 12:10, लेकिन आई हमारी गाड़ी 12:00, यानी कि 10 मिनट पहले। खूबसूरत कार्विंग ट्रेन का। अभी भी हम तमिलनाडु में ही चल रहे हैं। गाड़ी हमारी 15 लेट हो चुकी है। नागरकल के बारे में बताओ, नागरकल टाउन ये रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा नागरकल जंक्शन एक और रेलवे स्टेशन है नागरकल में, जो कि बहुत बड़ा एक रेलवे स्टेशन है। नागरकल टाउन, नागरकल यहाँ पर जो है ना नागराज जी का बहुत बड़ा मंदिर है, इसलिए नागरकल प्रसिद्ध है। और नागरकल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन एक ख़ास बात बताओ, रोचक बात बताओ, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है वो नागरकल में ही है। नागरकल टाउन का डिपार्चर। ये है कन्याकुमारी बेंगलुरु एक्सप्रेस। एक्चुअली मुझे जाना था तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, लेकिन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल मैं आपको दिखा नहीं पाया। यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं यहाँ पे उतर गया हूँ नाइटिंगकारा रेलवे स्टेशन पे उतर गया हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है इसलिए उतर गया। तो तिरुवनंतपुर सेंट्रल आपको दिखा नहीं पाया, आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाएंगे। ये एसी चेयर कह रहे हैं, एसी चेयर कर का इस ट्रेन में सिर्फ एक ही कोच है। तो इस वीडियो तो नाइटिंगेल में एक मेरे मित्र मिल गया है, इनको हिंदी नहीं आती है, तो मलयालम में आप कुछ बोलिए। मलयालम है आजकल पगला। मेरा यूट्यूब पे का चैनल है, आप इनको आता है आपको? आपको आता है? तो ये मेरे मित्र है, इनको हिंदी आती है, तो इनको बोलेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेगा। तो इनसे मुलाकात हुई, अच्छा वार्तालाप हुई। उन्होंने मैं जैसे मैं यहाँ पर आया उन्होंने मुझे पानी पूछा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट एंड हम्बल है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और पानी भी पिया, बहुत दिल को शांति हुई। आपको हिंदी आता है? हिंदी थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो ये
मलयालम एंड हिंदी मिक्स थोड़ा बहुत आता है, फुल हिंदी आता है ना, यूट्यूबर एंड आई मेनली ब्लॉग्स ओनली ट्रेन ब्लॉग्स। आई केम टू फ्रॉम मदुरई दिस ट्रेन बाय दिस ट्रेन एक्चुअली आजकल पंगा ला जो उधर चल रहा है ना ट्रेन में उसके उसके लिए आई थिंक जो वापस आ रहा है उनके पानी। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन ऐसा मुझे तो कुछ लगा नहीं, शायद हो थोड़ा बहुत विवेकानंद सेवा समिति। So I want to thank them. Okay. Thank you all of you. And thank you. Okay. Bye. तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।